अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह अब स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी। तो आइए चलते हैं वीडियो के मेन स्टेप की तरफ कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह एप्लीकेशन है। जिस तरह के मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह अकाउंट क्रिएट कर लेना है, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से अपना ईमेल और जो यहाँ पर अपना अपना पासवर्ड दिया था, यहाँ पर आपने पासवर्ड पुट करना है, ठीक है जी। पासवर्ड पुट करने के बाद आपने लॉगिन करना है, ठीक है। मैं अभी लॉगिन करने लगा हूँ। तो जी लॉगिन करने के बाद देखें जी, कुछ इस तरह एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रोग्राम में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो, ठीक है जी। बैचलर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हो, मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हो, या पीएचडी लेवल पे। तो आपने जिस सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना है, मास्टर या बैचलर लेवल पे, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मीन कि अगर मास्टर लेवल पे करना चाहिए तो आपने मास्टर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछता है कि हैव यू एवर स्टडीड एट एनी यूनिवर्सिटी, मीन कि आपने ताइवान की किसी यूनिवर्सिटी में पहले कभी स्टडी किया है स्कॉलरशिप बेस पे। तो अगर स्कॉलरशिप बेस पे आपने कभी नहीं यहाँ पे स्टडी की तो आपने यहाँ पे नो ही रहने देना, जैसे कि ऑलरेडी नो पे ही है। उसके बाद कहते हैं विच डिपार्टमेंट आर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट डू यू एक्सपेक्ट टू स्टडी इन चंगगंग यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। वो कौन से आप डिपार्टमेंट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी, ये फर्स्ट है प्रेफरेंस, ये सेकंड प्रेफरेंस है। आपने यहाँ से लास्ट में ये निशान दिया हुआ है, इसको शो ऑल आइटम, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें, आपने नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, ये तमाम तरह डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में भी आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे तमाम तरह आपको इंस्टीट्यूट के नेम मिल जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पी एच डी लेवल पर भेजना चाहते हैं तो ये पी एच डी लेवल में भेज सकते हैं। आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एम बी ए में भेजना है तो एम बी ए में सेलेक्ट भेज सकते हैं। यहाँ पर तमाम तरह प्रोग्राम की आपके पास डिटेल ओपन हो जाती है, ठीक है जी। जैसा कि आप अगर आईटी या कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं तो ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है। इसमें तमाम तरह मेन के डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं जिसमें आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मीन कि अगर आप करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप सेकंड किस में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, तो आपने सेकंड भी इसमें से कोई प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी का साइंस भी आप मेडिकल डिपार्टमेंट के, जो अगर आपने इसमें अप्लाई करनी है तो इसमें से कोई भी मैं नेक्स्ट कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने एक प्रेफरेंस रहनी है तो आपने एक प्रेफरेंस भी रख सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर देना है, ठीक है जी। आपने जैसे नेक्स्ट पेज करेंगे, यहाँ पे देखें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का परफॉर्मा ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपने तमाम डिटेल फिलअप करनी है। फर्स्ट में आपने यहाँ पर नेम लिखना है, ठीक है जी, इन इंग्लिश, जो आपके पासपोर्ट पर नेम दिया होगा, जो स्पेलिंग दिए होंगे इन चाइनीज़। यहाँ पे आपने नेम अपना चाइनीज़ भी लिखना है, अगर लिखना है तो लिख लेना है, अगर नहीं लिखना तो आप इसको लीव कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपने यहाँ से, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे डेज है, तो आपने यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी, जो आप किया। उसके बाद पूछता है कि प्लेस ऑफ बर्थ, के आप कौन से कंट्री और सिटी में पैदा हुए हैं, तो इसी फार्मेट में लिखना है जिस फार्मेट देखें यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रहा है। ब्रैकेट स्टार्ट है, उसके बाद कोई सिटी आपने लिखना है, फिर कॉमा लिखना है, फिर आपने कंट्री लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद कर देनी है। मीन कि जिस फॉर्मेट में यहाँ आपको शो कर रहा है इसी फॉर्मेट में आपने वो लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद नेशनलिटी है, नेशनलिटी आपने यहाँ निशान दिया हुआ है शो ऑल आइटम, यहाँ पर तमाम कंट्रीज़ के नाम आ जाएंगे। आपने पी ए के अगर पाकिस्तान से अप्लाई करना है तो पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर इंडिया से कोई भी, मीन किसी भी कंट्री से अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पर आपने इधर पासपोर्ट नंबर लिखना है जो आपका पासपोर्ट नंबर होगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं एलियन रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर ताइवान, अगर ये आपके पास है तो लिखनी है, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेक्स आ जाता है कि आपका फीमेल एप्लीकेशन करें या मेल एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, फ्लूइड है या अदर है, इसमें जो भी आप हैं तो आपने सिलेक्ट कर लेना। अगर मेल हैं तो यहाँ पर आपने टिक कर लेना है, टिक करने के बाद यहाँ पर मेल लिख देना है, ठीक है जी। अगर फीमेल कर रही हैं तो फीमेल यहाँ पे लिख देगी। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस बताना है, जो आपके सी एन ई सी नंबर पर एड्रेस होगा, तो आपने यहाँ पर वो एड्रेस यहाँ पर लिखाना है। इसके बाद नीचे आ जाता है टेलीफोन नंबर, आपने यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, जो आपका एक्टिवेटेड टेलीफोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आ जाता है हाउ डिड यू लर्न अबाउट सी जी यू इंटरनेशनल एडमिशन, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट, एजुकेशन फेयर, कोई भी हो, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता हैव यू एवर अप्लाई टू द अदर यूनिवर्सिटीज़ इन ताइवान विच प्रोग्राम, क्या आपने अगर किसी ताइवान की अदर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बेस पर अप्लाई की है तो वो बताएं, और कौन से प्रोग्राम में किए हैं वो बताएं। अगर आपने किसी में भी नहीं करी तो आपने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे, या आप एन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, या आप यहाँ पे नील भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर एप्लीकेशन नेक्स्ट सबमिट नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे करना है। जैसे नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो आप
तो जी जैसे ही हम नेक्स्ट पे आते हैं तो हमारे पास ओपन हो जाता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपने यहाँ पे तमाम तरह एजुकेशन का रिकॉर्ड पुट करना है, ठीक है जी। नेम ऑफ स्कूल लिखना है, सिटी एंड कंट्री लिखनी है, डिग्री कंफर्ड लिखनी है और ड्यूरेशन ऑफ डिग्री बतानी है कि आपने किस साल में मीन के कितने सालों में ये FSC या मैट्रिक या BSc या मास्टर लेवल आपने किया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट हो जाते हैं हायर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने हायर एजुकेशन की डिटेल पुट करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने कॉलेज और इंटरमीडिएट की पुट करनी है, इधर आके मास्टर की पुट करनी है, इधर मास्टर टू की पुट करनी है, ठीक है जी। आपने फर्स्ट वाले क्या पुट करनी है, हायर एजुकेशन। आपने FSC की डिटेल पुट करनी है, ठीक है। ये देखें, दी हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। यहाँ पे उनके उन्होंने मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे मैटर की डालनी है या FSC की डालनी है। तो यहाँ पे आपने स्कूल नेम लिखना है, यहाँ पे अपना कंट्री लिखना है, उसके बाद आपने ड्यूरेशन देना है, जिस साल में आपने एडमिशन लिया था वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। जिस साल में आपने कंप्लीट किया है ये वो लिखना है, जैसे कि 2014 से 2016 किया है तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली। मंथ कोई भी आपका रिजल्ट क्लियर डेट पे लिखा होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डिग्री का नेम लिखना है, अगर मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद GPA स्कोर हमारा मैट्रिकुलेशन में नहीं हो तो आपने इसको नील कर देना है, ठीक है। छोड़ देने के बाद आपने आ जाना है कॉलेज लेवल पे, आपने फिर स्कूल का नेम लिखना है FSC का, फिर वही सेम कंट्री, उसके बाद ये डिपार्टमेंट, ठीक है जी, कौन से डिपार्टमेंट में है। तो आपने फर्स्ट वन सॉरी आपने यहाँ हायर एजुकेशन डालनी है, हाई स्कूल की डिटेल नहीं डालनी है, आपने यहाँ पे FSC की डिटेल पुट करनी है। उसके बाद आ जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपने अंडर ग्रेजुएट की डिग्री पुट करनी है, जो आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई की, जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये अंडर ग्रेजुएट किया है उसका नेम लिखना है, किस सिटी में मौजूद है वो यूनिवर्सिटी वो लिखनी है, इधर ये डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में आपने अंडर ग्रेजुएट की हुई है, MPhil, MS सॉरी BS है, इंग्लिश है, IT है, OTT जो भी है आपने किए हुए यहाँ पे वो अपना डिपार्टमेंट लिखेंगे। उसके बाद आपने मेजर लिखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है आपका, उसके अलावा आपने किस साल में एडमिशन लिया था वो लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने कोई साल सिलेक्ट कर लेना है, जो जो आपके आपने अपने मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन डेट क्या है, 16 से 20 होगी तो मैं यहाँ पे 20 पुट कर रहा हूँ, ठीक है जी। आपने रिजल्ट क्लियर डेट इधर लिखनी है, उसके बाद डिग्री कन्फर्म ये वो लिखनी है आपने। उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ ग्रांटेड, आपके जो डिग्री थी कब आपको इशू हुई थी, तो आपने यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे GPA स्कोर पुट करना है, जैसे कि 3.54 जो भी है आपने वो लिख लेना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है, तो बस ये फिलअप करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है। तो जी जैसे ही हम एजुकेशनल बैकग्राउंड को सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपकी आ जाती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। हाउ मैनी मंथ हैव यू स्टडीज चाइनीज, यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, आपको चाइनीज नहीं आती तो यहाँ पे जीरो ही रहने देना है। उसके बाद आ जाते हैं हैव यू टेकन एनी चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज इसको भी नो रहने देना है। उसके अलावा अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है, कोई भी, अगर आपने मेन अगर गैट दिया हुआ है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई आईलेट्स दिया हुआ है, कोई TOEFL दिया हुआ है, कोई भी इंटरनेशनल टेस्ट दिया या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया हुआ है आपने यहाँ पे वो लिख देना है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ आ जाता है इज़ योर इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है कि आपकी नहीं, अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज तो यस कर देनी, अदरवाइज नो कर देनी, क्योंकि पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू होती है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आ जाता है इज़ इंग्लिश योर नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आपने इसको नील भी कर देना है, ठीक है, यहाँ पे आप नील कर देंगे या आप यहाँ पे नो लिख सकते हैं, ठीक है जी। इधर आप भी नो लिख सकते हैं, ठीक है जी, इधर आप जीरो पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखें प्लीज सेल्फ इवेल्यूएशन चाइनीज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, लिसनिंग में आपको क्या है, एवरेज आती है, पुअर आती है, गुड आती है, एक्सीलेंट आती है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो आपने यहाँ नाम नहीं रहने देना है। उसके बाद आ जाता है जी द नेम ऑफ द टेस्ट, आपने कोई ऐसा टेस्ट दिया हुआ है, अगर आपने कोई आईलेट्स दिया हुआ है, कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया हुआ है, मीन का कोई भी अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है तो आपने उसका नेम लिख के यहाँ पे आपने स्कोर पुट करना है, स्कोर पुट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जी उसके बाद हमारे पास ओपन हो जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, वो कह रहा है प्लीज़ चूज योर फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर स्टडिंग इन ताइवान, तो यहाँ पे आ जाता है पर्सनल सेविंग है या लीगल गार्डियन सेविंग है, तो आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देनी है। या दूसरा आता है स्कॉलरशिप फ्रॉम होम कंट्री, कि आपको स्कॉलरशिप पे भेजा जा रहा है पाकिस्तान से, ठीक है जी। और आता है स्कॉलरशिप ताइवान स्कॉलरशिप, द स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट मस्ट इंडिकेट द ड्यूरेशन एंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप, आपने ये सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद आप दूसरे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप फ्रॉम होम कंट्री द स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट मस्ट इंडिकेट द ड्यूरेशन एंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप, आपने सेकंड में नहीं सिलेक्ट करना तो आपने थर्ड में सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप ताइवान स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो आपने इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है।
जैसे आप इसको आप नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं एप्लीकेशन फी पेमेंट मेथड। तो आपको इसके लिए आपकी पेमेंट करनी पड़ती है 58 डॉलर, ठीक है जी। आपकी इसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है $50। तो आपने इसकी पेमेंट क्या करनी है, यहाँ पर इसकी डिटेल दी हुई है, ठीक है जी। ये अकाउंट नंबर दिया हुआ उनका, यहाँ बैंक नंबर दिया हुआ है, ठीक है जी। ये बैंक यूनिवर्सिटी के अकाउंट होल्डर नेम है, उसके अलावा स्विफ्ट कोड दिया हुआ है, ये एड्रेस दिया हुआ है। मीन के इंटरनेशनल मेथड के तौर पर आप इन अकाउंट पे वह ये $50 पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो पेमेंट रिसीव्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ शुड बी रिमिटेड विया टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू ए लोकल बैंक इन तैवान। तो मीन के टेलीग्राफिक ग्राफिक ट्रांसफर ही एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड पेमेंट के थ्रू भी आप एप्लीकेशन इसकी फीस पे कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने पे कैसे करनी है, यहाँ पे देखें, एप्लीकेंट्स मस्ट पे एप्लीकेशन फी विया क्रेडिट कार्ड, अमाउंट जो उनकी ताइवान जो करेंसी पेमेंट है 1500 है, जबकि USD जो बनते हैं ना वो 50 बनते हैं। तो आपने ये देखें, ये लिंक दिया है उनका, आपने इसको ओपन करके यहाँ पे आपने ATM कार्ड की, जैसे कि वो हमारे पास लोडिंग हो रहा है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें जी, डिक्लेरेशन है, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाता है लेटर ऑफ अथॉराइजेशन। तो ये देखें हमारे पास ये ओपन हो गया। आपने यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल पुट करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड के 16 नंबर का इनसे नंबर दिए होते हैं, और यहाँ पे आपको 3 नंबर का CVC कोड दिया होता है जो आपके ATM कार्ड के बैक साइड पर लिखा होता है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है, आपने वो सिलेक्ट करके यहाँ पे कंफर्म पेमेंट करेंगे, तो आपके मुतल्लिका जो आपके रजिस्टर्ड सिम होगी या ईमेल होगी उन पे 6 नंबरों का वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो आपने यहाँ पे जैसे ही आप वो कोड पुट करके कंफर्म करेंगे तो यहाँ से आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी। तो आपने वापस आकर यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ये तमाम तरह आपने रीड आउट कर लेनी है, ठीक है जी। डिक्लेरेशन के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना, आई हैव रीड द इंटायर टर्म्स। इसके अलावा क्या है, लेटर ऑथराइजेशन है, इसको भी आपने एक्नॉलेज करने बाद नेक्स्ट कर देना है। आपकी यहाँ पे पेमेंट हो गई है मेन के। अब देखें जी, यहाँ पर आपके पास तमाम तरह डेटा ओपन हो गया, ठीक है, जो जो आपने फिल अप किया था। तो आपने नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ, देखें जी, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म या मॉडिफाई एप्लीकेशन डेटा। अगर कोई आपकी एप्लीकेशन फिलअप करते हुए कोई गलती हो गई है, ऊपर आपने रीड आउट कर लेनी है, कोई गलती हो गया तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखें, प्लीज़ अपलोड दिस एप्लीकेशन फॉर्म इन द नेक्स्ट स्टेप। तो आपने ये एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये जैसे कि अब हमारे पास ओपन हो रही है, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है। आपने यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन सिग्नेचर डालेगा, यहाँ पे डेट डालेगा, यहाँ पे मंथ डालेगा। इसके बाद इसको आपने PDF फॉर्म बना के स्कैन कर लेना, स्कैन करने PDF बना के आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे अपलोड कर देना। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फाइल, तो यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखें जी, कुछ इस तरह से प्रोसेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ फाइल, तो आपने यहाँ से चूज़ करनी है। तो जो कि हमारी डाउनलोडेड फाइल थी, ये डाउनलोडेड हमारी फाइल है, हमने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करते हैं, ये देखिए हमारी फाइल अपलोडिंग हो रही है, हमारी एप्लीकेशन अपलोड हो गई है। हमने यहाँ से इसको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे, यहाँ देखें, फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स पासपोर्ट। तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपलोड करना है, जो कि आपके डेस्कटॉप पे मौजूद होना लाजमी है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने वो पासपोर्ट अपलोड करना है, जैसे कि मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ एज ए पासपोर्ट के नेम। तो ये देखिए हमारी ये फाइल अपलोडिंग हो रही है, ये देखिए हमारी होगी अपलोड। इसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ देखिए, फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट अपलोड कर दी, ठीक है। आपने हाईएस्ट जो डिग्री होनी ना, वही यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखें आपके पास क्या मांग रहा है, इधर अपलोड करने के लिए मांग रहा है जी, फोटो कापी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट की फाइल अपलोड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये देखिए यहाँ पे कर देना है ओके। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपकी कौन सी डिग्री है, टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो आपने दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाए होंगे, ठीक है जी। वो यहाँ पे आके दोनों आपने अपलोड कर देना, जो कि आपके PDF फॉर्म में आपके डेस्कटॉप या मोबाइल की गैलरी में मौजूद होना लाजमी है, जब भी आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जैसे अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, फिर आ जाते हैं यहाँ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक से भी मिल जाता है, ठीक है जी। आपने वहाँ से लेके यहाँ पे अपलोड कर देना है, जबकि वो भी आपको PDF में प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन, ओपन करने के बाद ये देखें हमारी फाइल
अपलोडेड हो रही है, ठीक है जी। आपने यहाँ से थोड़ा नीचे कर लेना है, इधर ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो नेक्स्ट देता जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेना। यहाँ पर पूछ रहा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट रिजल्ट ऑफ टोफल आइलेट्स टोइक आज जीमैट अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। ये तमाम तर जो इसमें से कोई भी आपने टेस्ट दिया हुआ तो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है जी। ये देखिए, और इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स फ्राम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज डू नॉट नीड टू अपलोड, हाउएवर इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप प्लीज़ बी श्योर टू अपलोड। अगर आप स्कॉलरशिप बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फिर भी अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो रिजल्ट टेस्ट होगा आपने अपलोड करना है। उसके बाद आ जाता है लास्ट में अदर मेरिट्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज अवार्ड्स डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस थीसिस। थीसिस तो आपके पास ऑलरेडी होगा पड़ा, अगर आपने पीएचडी लेवल में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने थीसिस अपलोड करना है, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। स्किप करने के बाद यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ देखा आ जाता है एविडेंस ऑफ रेमिटेंस और ऑनलाइन पेमेंट। जो आपने अभी $50 पेमेंट की थी आपने उसकी रसीद यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट बना लेना है या अपनी गैलरी में सेव कर देना है, वही आपने रसीद यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। जैसे कि आप ये हमारी रसीद एज एग्जांपल अपलोड हो गई है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई डिपार्टमेंट वन, इफ़ यू डोंट नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाई दिन प्लीज़ रोल डाउन टू नंबर 18 टू सबमिट। तो आपने क्या करना है, यहाँ रोल कर देना है। उसके बाद यह देखिए ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट टू, आपने इसको भी रोल कर देना है अगर नहीं है आपके पास तो। इसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई डिपार्टमेंट थ्री, इफ़ यू डोंट नीड तो आपने इनरोल कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट फोर, इसको भी आपने इनरोल कर देना है। फाइव को भी इनरोल कर दें आप, सिक्स को भी इनरोल कर दें, ये देखो एट है, ये तमाम तर आपने दिए हुए हैं। आपने अगर कोई भी अपलोड करना है यहाँ पे आ जाता है आपके पास सबमिट का ऑप्शन, आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। देखिए जी जैसे आपने वहाँ से आपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो यहाँ पे सक्सेसफुली का हमारे पास ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है जी। आपने क्या करना है, आप ये देखें ओप्स प्लीज़ अपलोड ए फाइल, तो यहाँ से हमारी जो जो ऑनलाइन प्रिंटेड पेमेंट थी ना, क्योंकि मैंने तो कोई फेक अपलोड की है ना, तो आपने यहाँ पे ओरिजिनल अपलोड करनी है, जिसकी वजह से ये हमारी अपलोड नहीं हुई क्योंकि ओरिजिनल नहीं है ना। ये देखिए अगेन से पूछ रहा है प्लीज़ अपलोड ए फाइल, यहाँ पे देखें ना उनकी डिटेल दी हुई है, फोटो कापी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फर्स्ट टू पेजेस आर ए नेशनलिटी सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट पेज। मैंने सेम ही तमाम तर जगहों पे एप्लीकेशन अपलोड की थी, तो आपने जस्ट नेक्स्ट में जाके सबमिट करना, सबमिट करने के बाद आपने कन्फर्म एप्लीकेशन करना है, तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन कन्फर्म हो जाएगी। तो ये है तमाम तर तरीका एप्लीकेशन सबमिट करने का। अगर फिर भी कहीं पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करते हुए कोई मसला मसाला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में कैंडली, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।